रंगे हुए हो हाथ जिसके मासूम के खून से, उन्हीं के हाथों में मानव अधिकार का खलमदान रखते हैं। और लक्ष्य जिसका अमन सलामती ओम शांति, वो खुला मन खुला जहन और खुली सोच का आसमान रखते हैं। आम इंसान पर होने वाले अन्याय और अत्याचार के लिए आवाज उठाए, एक लड़ाई लड़े और आम इंसान को अपना हक न्याय और इंसाफ मिले। विश्व मानवाधिकार, मानवाधिकार जो ऐसी चीज है और जिसको समझना बहुत जरूरी है, इन पैर के नाखून से लेकर तो सर के बाल तक इसके हकूक है, इसको कोई समझता नहीं है और जिसने समझा इसको छोड़ नहीं सकता हूँ। आज हम यहाँ विश्व मानवाधिकार परिषद की जो जर्नल ईयरली मैगजीन है उसका जो प्रपोज प्लान है उसके बारे में जनाब सुधीर खेरे साहब जो है तो आपको पूरा समझाएंगे कि उस मैगजीन में क्या करने वाले हैं। और मैं अभी पहले आने वाले हमारे जो चीफ गेस्ट है जनाब जमील देशमुख साहब का जो है तो स्वागत करता हूं, और अयाज साहब जो है हमारे हाजी साहब का स्वागत करेंगे, सुधीर साहब जो है सातपुते साहब का स्वागत करेंगे, हमारे अयाज साहब जो है नारायणपुर साहब का स्वागत करेंगे, सुधीर साहब जो है एडवोकेट जुबेर देशमुख साहब का स्वागत करेंगे फूल देकर। हा जाधव सर, हाँ या वाळूच प्रतिनिधी आहेत, महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांनी लिहिलेलं संविधान यांना प्रथम मी त्रिवार वंदन करतो। त्यानंतर आजचा हा एक छोटे खाणीच आपल्या मधलाच हा एक कार्यक्रम आहे, पण छोटे खाणी असला आपली त्या मानवाने संख्या कमी असली तरी आपला एक जो विचार आहे तो फार मोठा आहे। त्यासाठी विश्व मानवाधिकार परिषद याचे राष्ट्रीय माजी उपाध्यक्ष जे आहेत हाजी सय्यद साहेब आहेत, डॉक्टर देशमुख साहेब आहेत, ॲडव्होकेट कादरी साहेब आहेत, आमचे मित्र अयाजुद्दीन जे कवी लेखक हे सुद्धा आहेत। आमच्या दैनिका सूर्यवार्ता ही गेली 3 वर्षापासून समाजामधील विविध विषयांवरती काम करत आहेत। त्यानंतरच माझा परिचय जेव्हा ॲडव्होकेट कादरी साहेब यांच्याशी झाला, मागे एका कार्यक्रमामध्ये मी या कार्यक्रमाची बातमी घ्यायसाठी जेव्हा हे आलो तेव्हा मला कळलं की विश्व मानवाधिकार परिषद काय आहे आणि ते कशा प्रकारे काम करत आहे, त्यांचे कार्यक्रमाची रूपरेषा पाहता की हा खरोखर मानवाधिकार परिषद हे जगामध्ये काम करत आहे, त्याची एक ब्रांच म्हणून हे इथं सर्वजण काम करत आहेत। पण हे काम करत असताना मानवाधिकार एक काही विशेष व्यक्तीसाठी किंवा विशेष ध्येय धरून काम करत नाही, मानवाधिकार या छोट्या मोठ्या गोष्टीपासून मोठ्या घटनेपर्यंत मानवाधिकार आज जगामध्ये काम करत आहे। हे करत असताना आम्ही हे बघितलं की मीडिया सुद्धा मानवाधिकाराच्या कामाकडे कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहतात, मानवाधिकारांचे आज जगामध्ये बरेच ठिकाणी उल्लंघन होत आहे, मानवाधिकाराच्या कामाला जे स्थान भेटायला पाहिजे मीडियाच्या माध्यमातून, मग ते प्रिंट मीडिया असेल, यूट्यूब असेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असेल, ह्या सर्वातून मानवाधिकार एक चांगलं काम करतो त्याला जे स्थान मिळायला पाहिजे ते आज आमच्या मीडियाकडून मिळेल तसं नाहीये, त्याला फार
अल्प प्रतिसाद आहे. एखादी मोठी घटना आज आपण बघा तर जगामध्ये कितीतरी मोठे मोठे युद्ध चालू आहे, पण ते युद्ध चालू असताना एखादा कमांडर मेला त्याची बातमी, पण त्या युद्धामध्ये जे गरीब परिवार आहेत त्यांचे लेकरं मरत आहेत त्यांच्यावर आज कोणती वेळ येऊन ठेपलेली आहे, त्यासाठी मानवाधिकार काय काम करत आहे ह्याला कुठेही हायलाइट केले जात नाहीये. तोच प्रकार आज आपल्या देशात आपल्या राज्यात आहे. आज आपल्या राज्यात आणि देशामध्ये बघितलं तर गेल्या मागच्या 10 वर्षामध्ये आज काय परिस्थिती येऊन ठेपलेली आहे, आपल्यावरती कशा प्रकारे राजकीय दृष्टिकोनातून म्हणा कायद्याच्या दृष्टिकोनातून म्हणा कसा अन्याय होत आहे आणि त्याला मानवाधिकार कसा फेस करत आहे, पण ह्याची कुठे चर्चा होत नाहीये. मानवाधिकार काय काम करतं हे कुठे चर्चा होत नाहीये. आणि आज एक सभ्य समाज, प्रत्येक व्यक्तीला वाटतं एक सभ्य समाज असावा, एक चांगला वातावरण असावं, सर्वीकडे शांतता असावी, सुरक्षा असावी, एकमेकाला मदत करायची भावना असावी, एकमेकाच्या विषयी द्वेष नसावा, ही जी मानवाधिकाराची संकल्पना आहे ते घेऊन हे मानवाधिकार एक काम करत आहे. हे जेव्हा आमच्या संपादकाने आम्ही जेव्हा पाहिलं तेव्हा आम्ही सांगितलं की नाही, ह्याला आपला दैनिक आमचं छोटं आहे, महाराष्ट्र लेवलला आहे, स्थानिक आपल्या जिल्ह्याच्या लेवलला आहे, पण आपण मी कुठेतरी ह्याला जे म्हणतो आपण खारीचा वाटा उचलायला पाहिजे, त्या दृष्टिकोनातून आमच्या संपादकाने आम्ही म्हणलं की जिथे जिथे मानवाधिकार जे काही काम करत असेल त्याला आपल्या दैनिकामध्ये कुठे का होत नाही, पहिलं पान असो का चौथं पान असो, पण त्याला आपण स्थान देणं गरजेचं आहे. आणि मानवाधिकारांची काय व्याख्या आहे, त्यांचं काय कार्य आहे, ते कसं करत आहे ह्याला जनतेपर्यंत पोहोचवायला पाहिजे. त्या अनुषंगाने एक सभ्य समाज, आजची राजकीय परिस्थिती, आजची आर्थिक परिस्थिती, आजची सामाजिक परिस्थिती, या सर्व गोष्टीवरती एक अंक आम्ही प्रकाशित करण्याचं नियोजन केलेलं आहे. ह्या नियोजनासाठी आज अनेक लोक आहेत, विचारवंत आहेत, त्यांच्यापर्यंत आम्ही आमच्या पॉम्पलेटच्या मार्फत, जाहिरातीच्या मार्फत, आमच्या दैनिकाच्या मार्फत पोहोचून त्यांचे लेख आम्ही मागून घेणार आहे की तुमचे विचार काय आहे, मानवाधिकार काय आहे त्याच्या बाबतीत तुमचे विचार काय आहे, आजची सामाजिक परिस्थिती काय आहे त्याबाबत तुमचे विचार काय, हे सर्व विचार आम्ही मागवणार आहोत. त्या सर्व विचार एकत्रित करून त्यांच्यावरती चांगला अभ्यास करून ज्यांनी खरोखर चांगले लेख पाठवलेले आहेत त्याचं आम्ही एक पुस्तकामध्ये रूपांतर करणार आहोत. आणि हे पुस्तक जेव्हा समाजामध्ये जाईल, जेव्हा हे समाजामध्ये लोक वाचतील, तेव्हा त्यांना कळेल की हा मानवाधिकार बी आणि दैनिक सूर्यवार्ता बी एक समाज उपयोगी चांगलं काम करत आहे. आज त्याची किंमत आम्ही फक्त 200 रुपये ठेवलेली आहे. 200 रुपये तसं पाहता आज फार काही मोठी गोष्ट नाहीये. आज साधारण आपण कुठं चहा नाश्ता करायला गेलो 200 रुपये खर्च होऊन जातात, पण एक चांगलं पुस्तक आपल्या घरात असलं, त्याचं आपल्या मुलांनी आजूबाजूच्या लोकांनी वाचन केलं, तर त्याच्यामधून एक चांगली जनजागृती निर्माण होऊ शकते, सभ्य समाजाला त्याची कल्पना कळू शकते. हा आमचा एक उद्देश धरून आम्ही हे पुस्तक तयारीला लागलेलो आहोत. त्यासाठी आपल्या सर्वांचा आम्हाला सहकार्य गरजेचं आहे. आम्ही जे काही पॉम्पलेट देणार आहोत ते तुम्ही तुमच्या आजूबाजूला परिचित माणसं असतील, नगरसेवक असतील, कार्यकर्ते असतील त्यांच्यापर्यंत हा संदेश पोहोचवा आणि आमच्या या पुस्तकाला सहकार्य करा एवढी विनंती करतो. आणि त्यानंतर असं आहे की हे पुस्तक जेव्हा समाजामध्ये जाईल तेव्हा निश्चितच एक चांगला संदेश लोकांपर्यंत जाईल. कारण की आम्ही काम करत असताना बघतोय मानवाधिकारांचं कुठं कुठं कसं उल्लंघन होतं. आज इंडस्ट्री एरियामध्ये आम्ही जातो, तिथे कामगारावर होणारा अन्याय आहे, असंघटित कामगार आहे त्यांच्यावर होणारा अन्याय आहे, राजकीय पक्ष आहे त्यांच्या माध्यमातून कशा प्रकारे अन्याय होत आहे, कोण कशा प्रकारचं दबाव तंत्र वापरतं, मोठे मोठे राजकीय पक्ष आपलं ध्येय साधण्यासाठी काय करत आहे, त्याच्यातून खरोखर समाजाचं भलं होतंय का, काय एक विशिष्ट वर्गाचं भलं होतंय, त्यांचा संदेश काय चाललेला आहे, की काही सांगितलं तर त्याचा परिणाम पुढे काय होणार आहे, या सर्व गोष्टीवरती आम्ही आमच्या दैनिकाच्या माध्यमातून आणि पुस्तकाच्या माध्यमातून विषय मांडणार आहोत. यासाठी आपल्या सर्वांचं तिथं बसलेल्या सर्व सन्माननीय व्यक्तींना माझी विनंती राहील की आमच्या या छोट्याशा कार्याला आपल्या शुभेच्छासह आपलं मार्गदर्शन बी आम्हाला द्यावं, आपले जे मार्गदर्शन आम्हाला मिळेल तशी आमची पुढे वाटचाल बी होत राहील, एवढंच या ठिकाणी बोलतो. आणि
त्यानंतर ह्या विषयावरती आमचे लेखक कवी मित्र यांनी भी बराचसा अभ्यास केलेला आहे. नंतर यांना विनंती करतो की त्यांनी सुरुवातीला जे आम्ही ह्युमन वरती एक स्लोगन लिहिलेला आहे त्याची व्याख्या काय आहे ह्युमन राईट्स वरती, म्हणजे आपण म्हणणं काय आहे. त्यांनी खूप छान प्रकारे त्याचे मुद्दे मांडलेले, त्या संदर्भात मोहम्मद आयाजुद्दीन त्याचं स्पष्टीकरण बी करतील. त्यांच्या एक दोन त्यांनी फार छान कविता बी तयार केलेल्या आहे, ते इथं ते सादर करतील आणि आपल्या पुस्तकाबद्दल बी थोडक्यात ते सांगतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. सामान्य व्यासपीठ वर्ल्ड ह्युमन राईट काउन्सिल के आज इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद लाइक साहब और दैनिक सूर्यवार्ता के संपादक श्री प्रकाश सातपुते साहब और आज के गेस्ट ऑफ ऑनर वंचित बहुजन आघाड़ी के डॉक्टर जमील देशमुख साहब और स्टेट लेवल के हमारे पदाधिकारी एडवोकेट हादी साहब, मेरे मित्र खैरे साहब और तमाम जो है यहाँ पर जो मौजूद सम्मान्य गण हैं और मीडिया. प्रोग्राम है ये वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स की ओर से जो आयोजित किया गया है. तो आज सबसे पहला जो विषय, सबसे पहली प्रायोरिटी जिस चीज को मिलना चाहिए, जिसके लिए सारी दुनिया जद्दोजहद कर रही है, वो राइट्स है. तो आज इस मौके के ऊपर जैसे सुधीर खैरे जी ने बताया है कि इसकी आवश्यकता है कि इन मुद्दों का मीडिया के अंदर ठीक से कवरेज नहीं लिया जाता है और जिस तरीके से उसको मिलना चाहिए स्पेस वो दिया नहीं जाता है और परिस्थितियां देश की और समस्याएं कैसी वो आपके सामने हैं. तो इस मौके पर जैसे दैनिक सूर्यवार्ता ने एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया है कि इसको एक मैगजीन की शक्ल के अंदर जो है हम काम शुरू करते हैं और आज उसी उद्देश्य से एक प्रपोज नियोजित जो कार्यक्रम है कि एक मैगजीन हम शुरू करने जा रहे हैं, उसका अनाउंसमेंट करने के घर से ये मीटिंग रखी गई है. तो इस मौके के ऊपर जो है तो हम ह्यूमन राइट्स की ओर से और मेरी ओर से जो है हम एक स्लोगन जो है तो जारी करना चाहते हैं और स्लोगन जारी करना चाहते हैं कि जैसे लोकतंत्रों को बचाने के लिए हर आदमी का जो है तो मतदान करना या उसका मतदार होना जरूरी है, तो वैसे ऐसा लगता है कि हर आदमी जो है भारत का वो मानव अधिकार कार्यकर्ता बन जाना चाहिए या कम से कम वो उसने अपने मानवीय मूल्यों की रक्षा करना चाहिए. जो स्लोगन हम आज जारी कर रहे हैं ह्यूमन HUMAN वो ये है कि ह्यूमन स्टैंड्स फॉर H फॉर ह्यूमैनिटी मानुष की, U फॉर अपराइट ईमानदारी, M फॉर मॉरलिटी नैतिकता, A फॉर एडमायरेबल प्रशंसनीय और N फॉर नोबल शरीफ. हम अगर इन्हीं गुणों की हिफाजत करते हैं और इन्हीं गुणों के साथ अगर हम जिंदगी गुजारते हैं तो वाकई में इसका प्रभाव हमको पूरे समाज में देखने के लिए मिलेगा. और आज मैं एक संकल्पना की भी जो घोषणा करता हूं, मैं पिछले कई सालों से इसके ऊपर काम कर रहा हूं सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स के ऊपर, तो अपने एक स्लोगन की जो तो घोषणा करता हूं और संकल्पना लेकर मैं ये काम कर रहा हूं कि नेवर आई विल लूज नॉर आई विल डाई अनलेस आई हॉइस्ट द फ्लैग ऑफ ह्यूमैनिटी अप अबाउट द स्काई. और इसी के साथ जो है मैं अपनी एक जो कविता जो है आज की जो समस्या पे लिखी गई है और बहुत एक एक शब्द उसका बहुत अमूल्य है, बहुत एक एक शब्द उसका सुनने जैसा है, तो बहुत निचंती के साथ एक एक शब्द सुनिए और उसे आत्मसात कीजिए. तो मैं कविता शुरू करने जा रहा हूं, सुनिए. कि अधर्मी नहीं हम, अधर्मी नहीं हम कि जात पात की सियासत करके वर्ग विशेष की सफलता का अरमान रखते हैं और कसम वसुदेव कुटुम कुंबे खुदा की भला हो संपूर्ण मानव जाति का, हम खुदा से ये गुमान रखते हैं. और गुमराह किया जा रहा है हिंदुओं और मुसलमानों को, बहकते नहीं वो जो बुद्धि दृष्टि और सत्य ज्ञान रखते हैं और न भेद करते हैं न बांटते हैं इंसानों को जाति धर्म के नाम पर, अगरचे के सीने में वो सच्चा ईमान रखते हैं. इस कविता के अंत में मैं आज जितने भी लोग यहां जमा है सिर्फ इतना ही मैसेज देना चाहता हूं कि भाई जो काम को लेकर हम जो आगे बढ़ रहे हैं
वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स काउंसिल, दैनिक सूर्यवार्ता, और जो इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है कि इसके लिए एक विशेषांक निकाला जाए, एक विशेष मैगजीन निकाला जाए, इसके लिए आपके लेख आमंत्रित किए जाएंगे। आमंत्रित करने के बाद लेख का सिलेक्शन होकर उसकी मैगजीन बनेंगी और इस मैगजीन को जो है 200 रुपए की कीमत में जो है तो वो किया जाएगा। तो लगभग सभी से हमारी विनंती रहेंगी, और आप जितने यहाँ पर मौजूद है ये सुनने के बाद आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस काम को उतनी तेजी से फैलाए जैसा कि हम चाह रहे हैं, ताकि समाज की जो तस्वीर है आज वो बदली जा सके। धन्यवाद, और आखिरी में एक बार फिर जय हिंद। विश्व मानवाधिकार विशेष अंक नियोजित बैठकीसाठी या ठिकाणी आयोजित झाला। आमच्या आमंत्रणाला मान देऊन तुम्ही सर्व या ठिकाणी आलात, आणि मला या ठिकाणी एकच या ठिकाणी सांगायचं आहे की आपण आतापर्यंत जगामध्ये, देशामध्ये किंवा राज्यामध्ये किंवा आपल्या जिल्ह्यामध्ये विश्व मानव अधिकार परिषद ही कानावरून गेल्यासारखं वाटतं। कार्य भले मोठं आहे, कार्य मोठं आहे, परंतु त्याला मोठा करण्याचं काम मात्र कोणी करत नाही हे आम्हाला ह्या ठिकाणी किंवा ह्या माध्यमातून दिसून आलं। आणि आमचं ह्या ठिकाणी दैनिक सूर्यवार्ता, दैनिक सूर्यवार्ता न्यूज असेल, या दोन्हीच्या माध्यमातून आम्ही ह्या विशेष कार्याचा, विशेष मानवाधिकाराचं काम मोठं करण्याचा ह्या ठिकाणी आम्ही एक हातात मशाल घेतल्याप्रमाणे हे काम करणार आहोत। आणि आपल्या या मानवाधिकाराच्या कार्याला मोठं यश येईल ही आमची अपेक्षा आहे। या अंकाला आम्ही मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी देऊन या ठिकाणी मोठे कार्य घडवून आणू, या ठिकाणी मोठे जे जगामध्ये जे काही मानवाधिकाराचे प्रश्न असतील किंवा मानवाधिकाराला मोठं करण्याचं काम कुठलाही मीडिया असेल, कुठलाही दैनिक असेल, ते जर बाजूला ठेवून देत असेल, त्या ठिकाणी आमचं कार्य या ठिकाणी उंचावलेलं राहील हे या ठिकाणी मी आपल्याला शब्द देतो। आणि विशेष म्हणजे सांगायचं असं की ह्या मानवाधिकार परिषदे अंतर्गत आम्ही जो अंक काढतोय ह्या अंकाला सर्व आपल्या माध्यमातून आम्हाला सहकार्य करावं, आणि दैनिक सूर्यवार्ताच्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला प्रसिद्धी देऊ। कुठलाही छोटी बातमी असेल तरी आम्ही नाही पहिल्या पानावर तर चौथ्या पानावर घेण्याचा मात्र आमचा अधिकार, आमचे कार्यकारी संपादक सुधीर खैरे सर यांनी अगोदरच दिली आहे। परंतु ह्याच माध्यमातून आपण एक यूट्यूब चॅनल पण आहे, त्या माध्यमातून पण त्याची प्रसिद्धी करू। आणि विशेष म्हणजे तुम्हाला असं नका वाटू देऊ की दैनिक सूर्यवार्ताने इतर न्यूजने कुठल्याही आपण दखल न घेतल्यामुळंच हे सूर्यवार्ता आपल्या समोर आलेलं आहे हे लक्षात मात्र घ्यावं लागल। कारण आम्हाला आतापर्यंत तुमचे कार्य समजले, कार्य करत आहात देशामध्ये, राज्यामध्ये किंवा जिल्ह्यामध्ये मोठमोठे कार्य असतात, परंतु ते मात्र कुठेही छापले जात नाहीत हे आम्ही मात्र या ठिकाणी अभ्यासात्मक केलं। ह्याच माध्यमातून आपण एक अंक काढण्याचा ह्या ठिकाणी सर्वांनी नियोजित केलं, त्या अंकाला मोठी प्रसिद्धी देऊ, आणि अंक मोठ्या उत्साहात त्याला मोठा कार्यक्रम करून ह्या ठिकाणी त्याचा विस्तार झाला पाहिजे, त्या माध्यमातून कार्य करू, एवढंच मी या ठिकाणी बोलतो। आणि माझी सभी हमारे दोस्त और इस प्रोग्राम के आयोजक अध्यक्ष और आदरणीय व्यासपीठ, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। विश्व मानव अधिकार परिषद के ओर से एक विशेष अंक निकाला जा रहा है, इसके लिए मैं ऑर्गेनाइजर को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस माध्यम से ये जो तहरीक एक मूवमेंट चला रहे हैं कि आम इंसान पर होने वाले अन्याय और अत्याचार के लिए आवाज उठाए, एक लड़ाई लड़े और आम इंसान को अपना हक, न्याय और इंसाफ मिले, ऐसी उम्मीद करता हूं और इसी लफ्जों के साथ इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। बेस्ट लक फॉर दिस एक्टिविटीज। और सभी से एक विनंती करना चाहूंगा कि हर जगह जहां पर भी इनको कोई सहायता लगे तो हम सब मिलकर इनको सहायता करें, ऐसी उम्मीद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, मैं विश्व मानवाधिकार परिषद का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाजी सैयद लायक। मैं जितने भी यहाँ पे मेहमान आए हैं उनका तहे दिल से इकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ
बेचारे कहीं से भी टाइम काट के आते लोग, और प्रोग्राम थोड़ा लेट भी हुआ चालू करने में, तो मैं दो शब्द बोल के अपना ये करूँगा। आज जो हमारे डॉक्टर साहब ने मैगजीन काटने का, और हमारे जो जितने भी मेरे साथी, नाम तो नहीं आता मेरे को सबका, लेकिन जिन्होंने भी ये सोचा है किताब के बारे में, मैगजीन के बारे में, तो ये तो इतनी बड़ी सोच है, और मैं तो चाहता हूँ कि इसके लिए राष्ट्रीय लेवल तक भी बात जाएगी, और मैं सबको ये भी बताऊंगा कि भाई ये जो काम कर रहे हैं लोग, इनकी पूरी मदद करेंगे, हम भी करेंगे और ये भी हमारी मदद करेंगे, जहां भी कमजोर पड़ेंगे हम वहां बिल्कुल खड़े रहेंगे। और विश्व मानवाधिकार, मानवाधिकार जो ऐसी चीज है और जिसको समझना बहुत जरूरी है, ये पैर के नाखून से लेकर तो सर के बाल तक इसके हकूक है, इसको कोई समझता नहीं है, और जिसने समझा इसको छोड़ नहीं सकता हूं। इसके अंदर अपन लिए पूरे, एक बच्चा जो अपने पेट के अंदर माँ उसको एक हुकूक देती है, उसको पैदा करती है, उसको पाचन पोलन जो भी करती है, वो पूरे मानव के साथ होता है उसका, लेकिन सब लोगों को नहीं मालूम। इसको हमारे, हमको जो है इसके लिए पूरा जागृत करना पड़ेगा। ये काम इतना अच्छा है, माशाल्लाह ये इंटरनेशनल पे है, ये हमारे महाराष्ट्र के हद तक और इंडिया के हद तक नहीं, पूरे दुनिया में ऐसा काम चालू, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है क्या है। कोई जाता है पॉलिटिशियन में, कोई जाता है कि कोई किसी कंप्लेन नहीं होती है, कोई कोई पैसा मांग रहा है, कोई क्या, अरे भाई इसका कोई जगह पे कोई बनाओ कोई चीज, जैसा हर जिले में एक ऑफिस बनाओ, उनकी मदद करो क्या। और हमने जो है तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है, दूसरे के लिए कुछ करना सीखो, दूसरे के लिए कुछ करने का देखो क्या करना है। दुनिया में भी लोग बहुत बैठे ऐसे कि भाई कुछ करने के लिए हमको चाहिए, लेकिन मालूम ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं, मालूम होना बहुत जरूरी है। तो मैं इंशाल्लाह ये मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि सब लोग इसके अंदर जो है तो दिल से काम करें और जुड़े। पहले तो मैं बोलता जोड़ो, इसके अंदर हर आदमी को जोड़ो, ऐसा नहीं है कि भाई वो अब उसके अंदर सादा वो भी बन सकता है, वो कॉलेज बन सकता है, कुछ भी सदस्य बन सकता है, उसको जरूरी नहीं है कि मैं खुद ही एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बोलते तो मैं बोलता मैं एक सादा इंसान हूँ भाई, मेरे को एक सदस्य बोल के लेके चलो, मेरे को जरूरी नहीं है कि मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बोलूँ, क्योंकि मुझे कहीं भी वापरो आप राधे रात को मैं वहां खड़ा रहूंगा। इंशाल्लाह मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि भाई बहुत अच्छा काम किए, और जो मैगजीन के बारे में हमारे डॉक्टर साहब ने जो है तो बड़ी मेहनत की है, और हमारे जो है तो हाजी साहब जो है तो वकील साहब की बड़ी मेहनत है। मैं तो ये चाहूंगा कि सब लोग मिलके मानवाधिकार को देखो आगे लेके चले, इंशाल्लाह आप जहां बुलाए, मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी इंशाल्लाह यहाँ लेके आऊंगा, अभी ये लाना ही था, लेकिन कुछ हमारा प्रोग्राम चालू है बम्बई के अंदर, 22 तारीख को हमारी मीटिंग है, उसके बाद में शायद हो सका तो 24 बोलो ये मैं यहाँ पे ले जाऊंगा इंशाल्लाह। मेरी दो बातें, शुक्रिया। आए हुए सभी जो लोग हैं, सबसे पहले मैं जनाब लई साहब जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है विश्व मानवाधिकार परिषद के, और हमारे आज के चीफ गेस्ट जनाब डॉक्टर जमील देशमुख साहब वंचित बहुजन आघाड़ी के शहर उपाध्यक्ष है, और सूर्यवार्ता के जो प्रकाश आनंद सातपुते साहब जो संपादक है, और हमारे कवि जनाब अयाजुद्दीन साहब, और आए हुए सभी साहब ने नारायणपुर का साहब जो मीडिया के है, जनाब मुजफ्फर साहब है ये जाफराबाद के एंटी करप्शन के जो है तो ये है मराठवाड़ा अध्यक्ष है, जनाब लतीफ साहब है जो मराठवाड़ा उपाध्यक्ष है विश्व मानवाधिकार परिषद के, और हमारे सेक्रेटरी जनाब जुबेर एडवोकेट जुबेर देशमुख साहब है, और शेख जुबेर साहब है, और इस उप संपादक जो है जनाब सुधीर खेरे साहब सूर्यवार्ता के, इन सभी लोगों का नाम लेते हुए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब लोग ने यहां मौजूद होकर इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए जो अजम की या जो मेहनत की, तो मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूं। इसके साथ में अपने शुक्रिया के साथ में सब लोगों का जो है तो शुक्रगुजार हूँ, और प्रोग्राम जो है तो यहाँ पे अब इस्तेमाल होता है।